आप देख रहे हैं TNT। भारत ने 5 साल पहले चीन के टूरिस्ट की सुविधा के लिए PRC के नियमों में ढील दी थी। PRC में चीन के अलावा अफगानिस्तान, इराक और सूडान के नागरिक भी शामिल थे। लेकिन अब सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला किया है। भारत ने चीन के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा नहीं देने का फैसला किया है। इसके अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब के नागरिकों को अब भी भारत की ई वीजा नहीं देगा। हालांकि ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका समेत 152 अन्य देशों के नागरिक अभी भी ई वीजा ले पाएंगे। माना ये जा रहा है कि सीमा पर लगातार तनाव से आपसी देशों के रिश्तों पर असर पड़ा है। इससे पहले भारत ने 171 देशों के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा दी हुई थी। माना जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि पिछले एक साल में लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी चीन और भारत के सैनिक आमने सामने खड़े दिखाई दिए हैं। वहीं कोरोना महामारी यानी कोविड के दौरान भी कई देशों के टूरिस्ट ई वीजा रद्द किए गए थे। जान लें कि भारत ने 2015 से 2016 में चीनी पर्यटकों के लिए प्रायर रेफरल कैटेगरी यानी कि PRC नियमों में ढील दी थी और चीन को ई वीजा पाने वाले 171 देशों के साथ शामिल किया था। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सूडान के अलावा पाकिस्तानी मूल के विदेशी PRC के तहत आते हैं। हालांकि मार्च 2020 में यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा के बाद कोविड-19 के प्रकोप के दौरान सभी टूरिस्ट ई वीजा रद्द कर दिए गए थे। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में भारत की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नियमों में ढील दी थी और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस के नागरिकों को एयर बबल स्कीम के तहत भारत आने की अनुमति भी दी थी। फिर 2 महीने बाद इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी वीजा के लिए प्रतिबंधों में और ढील दी गई थी। वहीं भारत सरकार की तरफ से जारी किए दिशा निर्देश के अनुसार मौजूदा ई वीजा और 6 अक्टूबर से पहले जारी किए गए पर्यटक वीजा निलंबित रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।